नमस्कार, आपके साथ में हूँ जीनत खान। आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पिछले दिनों सुमासरा में नाबालिग बालिका के साथ घटित दुष्कर्म की घटना को लेकर आज पीड़ित परिवार के साथ मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय से मिला व आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को उचित सहायता दिलाने, इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने व जिस तरह ऐसी गंभीर घटनाओं में पिछले दिनों में प्रशासन ने आरोपियों के मकान तोड़ने की त्वरित कार्रवाई की है, उसी तरह इस प्रकरण में जल्द से जल्द आरोपी का मकान तोड़ने की मांग रखी। कलेक्टर महोदय ने सभी मांगों पर जल्द एक्शन लेने का भरोसा दिलाया। इस दौरान काजी ए शहर मंसूर आसिफ उल्हा साहब, सदर अंजुमन ए इस्लाम शकील अली, सुमासला सदर अमजद पठान, पार्षद साबिर हुसैन शाह, अंजुमन सेक्रेटरी फिरोज मेव, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन उर्फ शानू, मुस्लिम महासभा जिला अध्यक्ष आमिर पठान, कांग्रेस जिला महामंत्री खलील शेख, कांग्रेस जिला महामंत्री मोहम्मद हुसैन रिसालदार, शाहरुख कुरैशी, फैजान मेव आदि उपस्थित थे। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इसको ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। नहीं, अगर आइंदा ये काम अगर नहीं होता है, अगर उसका मकान नहीं टूटता है और कोई सहायता नहीं मिलती है, तो यहाँ आगे कैंडल मार्च या दूसरे हम प्रदर्शन करेंगे। अभी क्या आश्वासन दिया है कि उसकी हम डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसकी जांच कर बराबर वो पाया जाएगा, तो हम उसको एक मकान जिसमें अपराध हुआ है उसको भी तोड़ा जाएगा, उसके सहयोगियों को भी जांच की जाएगी और उसका मकान तोड़ा जाएगा। उज्जवल भविष्य के लिए उसकी मदद मिल सके और जिसने जो कृत्य किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो ऐसे कृत्य करने वाले जो लोग हैं उनको जो डर बैठे कि अगर ऐसी कोई घटना की जाएगी तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस घटना की हम निंदा करते हैं।